और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर रुख कर रहे हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है और बल्लभनगर से हिम्मत सिंह झाला को टिकट मिली है। धरियावत से खेत सिंह मीणा को टिकट मिला है। इस वक्त आपको बता रहे हैं ताजा अपडेट उपचुनाव से जुड़ा हुआ। उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है और इस लिस्ट के अनुसार वल्लभ नगर से हिम्मत सिंह झाला को टिकट दिया गया है, जबकि अगर बात करें दूसरी सीट की तो वहां पर भी एक और कैंडिडेट को मंजूरी दी गई है। और आइए सीधे रुक करें गिरीश, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। गिरीश, उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। बल्लभ नगर से हिम्मत सिंह को टिकट मिला है और इसके अलावा एक और टिकट भी दिया गया है। क्या कुछ अपडेट्स इस खबर पर? जी बिल्कुल गीतांजलि, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि दरियावत विधानसभा उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है आज से अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें दरियावत विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है खेत सिंह मीणा के नाम पर मोहर लगी है। गीतांजलि, मैं आपको बता दूं खेत सिंह मीणा जो है दरियावत जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं और सरपंच संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े ये कार्यकर्ता है और इनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने इनके नाम पर जो है मोहर लगाई है। गीतांजलि, जाहिर सी बात है और बीजेपी प्रत्याशियों की इस लिस्ट का इंतजार किया ही जा रहा था गिरीश, और आखिरकार ये लिस्ट जो है जारी हो गई है। लेकिन इस लिस्ट के जारी होने के बाद क्या कुछ लोगों के हाथ निराशा भी लगे हैं बीजेपी खेमे में? जी बिल्कुल गीतांजलि, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दरियावत की अगर हम बात करें, दरियावत विधानसभा क्षेत्र में जो है यहाँ पर भाजपा आलाकमान ने जो है सिंपैथिक लहर को जो है दरकिनार करते हुए जो है यहाँ पर खेती मीणा को टिकट दिया, यानी कि टिकट में बदलाव किया है। तो जाहिर सी बात है कि दिवंगत विधायक के पुत्र कन्हैया लाल मीणा जो है वो भी अपनी दावेदारी स्थापित है, जिसके हक जो है ये टिकट जो है खेत सिंह मीणा को दिया गया है। और साथ ही मैं बता दूं खेत सिंह मीणा जो है आज अपना नामांकन पेश कर सकते हैं, क्योंकि नामांकन की जो है आखिरी तारीख 8 अक्टूबर बताई जा रही है। वहीं टिकटों के ऐलान के बाद जो है खेत सिंह मीणा अपने समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों के बीच अपना नामांकन कर सकते हैं। गीतांजलि, और ये नामांकन कब तक भरना होगा गिरीश, इस पर कोई जानकारी मिल पाई है आपको? गीतांजलि, मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो है उपचुनाव की घोषणा करते ही 1 अक्टूबर से जो है अधिसूचना जारी की थी, उसके बाद 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जो है नामांकन भरने की जो है अंतिम तिथि है। 8 अक्टूबर तक चाहे 5 से पहले पहले जो है अपने नामांकन दर्ज करवा सकते हैं। गीतांजलि, बड़ा अपडेट गिरीश के जरिए हम तक पहुंच रहा है। गिरीश हमारे संवाददाता धरियावत से बने हुए हैं और जानकारी दे रहे हैं। इस उपचुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जो है जारी हुई है, जिसमें वल्लभ नगर से हिम्मत सिंह झाला को सीट मिली है। गिरीश, साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई और अहम सीटें ऐसी हैं, क्या वहां पर अभी बातचीत चल रही है कैंडिडेट को लेकर, टिकट को लेकर, या फिर साफ हो गया है कि इस कैंडिडेट को टिकट मिलेगी और इसको नहीं मिलेगी, कुछ इस तरह से? गीतांजलि, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से राजस्थान प्रदेश में हम अगर उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रमुख सीटों पर उपचुनाव होना था, 1 वल्लभ नगर और दूसरी दरियावत विधानसभा क्षेत्र पर। फिलहाल दोनों पर ही भाजपा ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। जाहिर सी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता गिरीश हमारे तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे। इस उपचुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है। वल्लभ नगर से हिम्मत सिंह झाला को टिकट मिली है।